विदेशी धरती पर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी एक एक कर मर रहे हैं। ये प्लॉट किसने तैयार किया, कैसे तैयार किया, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच में भारत के खूंखार आतंकी ढेर हो रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई है। शाहिद पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। अज्ञात हमलावरों ने सियालकोट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें, एनआईए ने यूएपीए के तहत शाहिद के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। वो भारत सरकार के लिस्टेड आतंकियों में से एक था। राशिद लतीफ का आपराधिक इतिहास 12 नवंबर 1994 को उसकी गिरफ्तारी से जुड़ा है। भारत में 16 साल की जेल के बाद उसे 2010 में वाघा बॉर्डर सीमा से निर्वासित कर दिया गया था। शाहिद लतीफ का नाम भारत सरकार की वांछित आतंकवादियों की सूची में था और वो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच का विषय था। बता दें, पंजाब के पठानकोट स्थित एयरबेस पर 2016 में एक आतंकी हमला हुआ था। यह हमला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया था। पूरे देश ने इस हमले को हिलाकर रख दिया। इस हमले में सेना के 7 जवान शहीद हुए थे। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन भारतीय सीमा के पास स्थित है। यहाँ हमारे बड़े हथियार रखे जाते हैं। युद्ध की स्थिति में पूरी रणनीति को यहाँ से ही अंजाम तक पहुँचाया जाता है। 1965 और 71 की लड़ाई भी इसी एयरफोर्स स्टेशन से लड़ी गई थी और यही एयरफोर्स स्टेशन साल 2016 में आतंकियों के निशाने पर आया। साल 2016 में आतंकियों ने इसे निशाना बनाते हुए इस पर जोरदार हमला बोल दिया। हालांकि शाहिद लतीफ से पहले भी पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या हुई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 20 फरवरी 2023 को बशीर अहमद उर्फ इम्तियाज की पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर रहे बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को रावलपिंडी में गोलियों से भून दिया गया था। पिछले ही साल भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित किया था। बता दें, इसी साल कश्मीर में 5 जवानों की हत्या हुई थी। इसका जिम्मेदार अबू कासिम ही था। उसे इस्लामिस्ट गुरिल्ला लीडर कहा जाता था, जो छुपकर भारतीय जवानों पर हमला किया करता था। भारत के निशाने पर कई आतंकी हैं और धीरे धीरे इन आतंकियों का सफाया हो रहा है, जिसमें अब एक और नाम आतंकी शाहिद लतीफ का जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।